उन हनुमान जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, जिन हनुमान जी महाराज के आगे कोई ज्ञानियों में कोई ठहर नहीं सकता, टिक नहीं सकता, वो हनुमान जी महाराज, जिन हनुमान जी महाराज ने भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सबको बताया, वो हनुमान जी महाराज जो 11वें रुद्र के अवतार हैं, स्वयं शिव ही हनुमान बन के राम भक्ति करने के लिए निकले हैं, और उन हनुमान जी महाराज का करेक्टर प्रस्तुत करते समय अगर कोई डायरेक्टर, अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर ऐसे डायलॉग देता है कि तेल तेरे बाप का, वस्त्र तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, तो मुझे लगता है कि वो फिल्म बनाने वाले, डायलॉग लिखने वाले लोगों की सोच न तो धर्म से जुड़ी हुई है, न वो हनुमान जी के भाव को जानते हैं, न वो हनुमान जी के उस ज्ञान को जानते हैं जो हनुमान जी के प्रति हम लोगों की निष्ठा है। राम कथा कहने वालों से सुनो, भागवत कथा कहने वालों से समझो, अगर आप नहीं जानते हो तो आप मत लिखो। प्रकार के लोग हैं, एक तो धर्म को जानते हैं और एक धर्म को नहीं मानते, जबरदस्ती के तीसरे प्रकार के लोग हैं जो धर्म को जानते नहीं है पर धर्मात्मा बनने का प्रयास करते, ये वो लोग हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं, थर्ड कैटेगरी के लोग हैं कि ये धर्मात्मा है नहीं, धर्मात्मा दिखना चाहते हैं। अगर आप धर्मात्मा दिखना चाहते हो तो पहले धर्म को जानने की कोशिश कीजिए, पहले प्रयास कीजिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हनुमान जी को ऐसे डायलॉग बोलते हुए देखा? वो हनुमान जी है, वो मुंबई की गली के टपोरी नहीं है, हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, हनुमान जी डायलॉग बोल रहे हैं, जो ज्ञानी नामग्र गण्यम। छोटी सी कथा करने वाला व्यक्ति भी, प्रवचन करने वाला, सत्यनारायण कथा करने वाला भी ऐसे डायलॉग नहीं बोलेगा जैसे हनुमान जी बोल रहे हैं। उस निकम्मे आदमी को मैंने सुना कि वो आदमी कह रहा है कि हमने भगवान, हनुमान भगवान नहीं है। हाउ डेयर टू डू दिस, से दिस, आप कह कैसे सकते हैं हनुमान जी भगवान नहीं है? कितना हनुमान जी के विषय में, हनुमान जी भगवान नहीं है, 11वें रुद्र के अवतार है भगवान, भक्ति कैसे करनी चाहिए? और प्लस मैं आप सबके, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आज अमेरिका में बैठकर भी इतना दुखी हूँ, मैंने फिल्म देखता ही नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, आप क्या करवा रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपके भारत में? हम भारत में रह के राम कृष्ण और हनुमान को पूछते हैं और आपके हनुमान जी के ये लोग जो निकम्मे लोग हैं ऐसे डायलॉग बुलवा रहे हैं? कौन से लोग, जितने भी लोग, आप भी विद्वान हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कभी भी राम जी को मूछ में देखा है? कल्पना की आपने? कभी नहीं की। ये कह रहा हूं कि जब हमारी कल्पना में राम ऐसे हैं तो आपकी कल्पना कैसी हो सकती है? अगर राम को आपने मूंछ में दिखा दिया, और मुझे तो एक किसी ने चित्र भी दिखाया कि जहां सीता मैया नाव में बैठ के दोनों यूं यूं घूम रहे हैं, ये व्हाट इज दिस यार? आप उस क्रिएशन के नाम पे 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाएंगे। आप कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो होती है जो किसी को इफेक्ट ना करे, ठीक है ना? जो किसी को इफेक्ट करे, जो 100 करोड़ों की भावना को इफेक्ट करे, वो फ्रीडम स्पीच नहीं हो सकती आपकी, नहीं हो सकते, आपको ऐसी डायरेक्ट नहीं कर सकते फिल्म को, आपको ये फैन, ये जो फिल्म है ये बैन करनी चाहिए, और जिन लोगों ने इसमें एक्टिंग की है, जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, जिन लोगों ने इसमें जो है डायरेक्शन दिया है, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे, अगर मेरे हाथ में पावर होती, मैं आपके चैनल से प्रार्थना कर रहा हूं, इस फिल्म को बनाने वाले, अभिनय करने वाले सब पे केस चलना चाहिए। इन्होंने 100 करोड़ लोगों की निष्ठा को ठेस पहुंचाई है, राम के स्वरूप को ठेस पहुंचाई है, हनुमान जी की वाणी को ठेस पहुंचाई है, और जो हनुमान जी को पूछते हैं उन लोगों की भावना को ठेस पहुंचाई है। इन सब पे केस चलना चाहिए, फिल्म बैन होनी चाहिए। इट्स माई ओपिनियन।